लाहौर हसन अली बॉलिंग में तजर्बात जारी रखने के ख्वाहां हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो का कहना है कि कप्तान की दिलेरी से बॉलर्स का हौसला बढ़ा है। फुर्सत मिलने पर काउंटी क्रिकेट भी खेल सकता हूं। तफसीलात के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन बॉलर्स का एजाज पाने वाले हसन अली का कहना है कि बॉलिंग करते हुए तजर्बात से नहीं घबराता, मुस्तकबल में भी ये सिलसिला जारी रखूंगा। जदीद क्रिकेट में स्मार्ट बॉलर का ही कामयाबी मिलती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टीम मीटिंग में कोचिस और एनालिस्ट के साथ बैठकर हरीफ बैट्समैनों की खूबियां व खामियों का जायज़ा लेने के बाद प्लानिंग होती है। ए प्लान फेल हो तो बी और सी भी रखा जाता है। कप्तान दिलेरी दिखाए और इतमाद दे तो किसी मुश्किल मौके पर भी घबराहट महसूस नहीं होती। सरफराज अहमद की खूबी यही है कि वो नौजवान क्रिकेटर और सीनियर सबको का हौसला बढ़ाते हुए अपनी कुदरती सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की तरगीब देते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के लिए खेलना है, लेकिन अगर फुर्सत मैसर हो तो काउंटी क्रिकेट में भी हिस्सा ले सकता हूँ। वकार यूनस मेरे आइडियल हैं, उनकी बॉलिंग बड़े शौक से देखता रहा। कोशिश होगी कि साबिक पेसर की तरह अब मुल्क के लिए नमाया खिदमात अंजाम देता रहूं। एक सवाल पर हसन अली ने कहा कि यूं तो हर अगली सीरीज़ अहम होगी, लेकिन असल हदफ वर्ल्ड कप 2019 है, जिसके लिए अभी से तैयारियां हो रही हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि बॉलिंग में मज़ीद वैरायटी लाने की के साथ साथ फिटनेस बेहतर बनाने के लिए भी काम करूं। उन्होंने कहा कि विकेट हासिल करने पर जश्न मनाने का के अंदाज को जनरेटर चलाने से तशबिया देने पर कोई परेशानी नहीं होती। ये भी पुरसितारों की मोहब्बत का एक अंदाज है। दोस्तों, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली नई वीडियो बआसानी देख सकें।